नमस्कार जनरल ओवरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती आज, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने किया नमन। पीएम मोदी बोले, बाबा साहेब का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल, डॉक्टर अम्बेडकर ने न्यायपूर्ण समाज के लिए आजीवन संघर्ष किया। रायसीना सम्मेलन में पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर की चर्चा, संयुक्त वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया जोर। भारत एक तरफ अपने नागरिकों को बचाने का कर रहा प्रयास, दूसरी महामारी से निपटने के लिए दूसरों को भी कर रहा मदद। रायसीना वार्ता के दौरान बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, काब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है स्वास्थ्य की रक्षा। विदेश मंत्री ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर दिया जोर, का दिखावे के शब्दों को व्यवहारिक पहल में बदलना अहम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ की बैठक, का बड़े पैमाने पर लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही है सरकार। वित्त मंत्री बोली, कंटेनमेंट के जरिए महामारी से निपटने की है योजना, हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नहीं करना चाहते अवरुद्ध। भारत में कोरोना महामारी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 24 घंटे में आए 1,85,000 नए मरीज, 1,026 की गई जान। देश में संक्रमण के कुल मामले 1,38,71,000 के पार, जबकि संक्रमण से 1,72,115 लोगों की गई जान। कोरोना महामारी के चलते राजधानी दिल्ली में बिगड़े हालात, 24 घंटे में आए 13,468 नए मामले, 81 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का तेजी से बढ़ता जा रहा है ग्राफ, लखनऊ गोरखपुर समेत 7 जिलों में ओपीडी सेवा बंद। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर पर उद्धव सरकार ने लिया फैसला, रात 8 बजे से 15 दिनों का कर्फ्यू लगाने की घोषणा। कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर रहेगा प्रतिबंध, गरीबों और वंचितों को गेहूं और चावल का किया जाएगा वितरण। महाराष्ट्र में कर्फ्यू के फैसले पर फडणवीस ने दिया बयान, बोले लोगों को राहत देने के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाए सरकार। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी के जरिए यूपी जाने लगा है प्रवासियों का रेला, ट्रेन में नहीं मिल रहा है कन्फर्म टिकट, अपने वाहन से जाने को मजबूर है लोग। उड़ीसा में टीके की कमी के कारण 11 जिलों में रोका गया टीकाकरण, मंगलवार को 495 केंद्रों पर 66,787 लोगों को लगाएगी वैक्सीन। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लॉकडाउन का किया समर्थन, बोले जीवन और जीविका में जिंदगी को प्राथमिकता देगी सरकार। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया बेहद घातक, बोले खुद से ही लॉकडाउन जैसा संयमित व्यवहार करें लोग। हरियाणा में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, रात 9 बजे के बजाय अब 10 बजे से लागू होगी पाबंदियां। गुजरात के सूरत में कोरोना से जा रही जान ने लिया भयावह रूप, रोजाना हो रहा है 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार। मजबूरी में खोला गया तापी नदी के तट पर 14 साल से बंद सौदाग्रह, लगातार इस्तेमाल से पिघलने लगी चिताओं की चिमनियां। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कोरोना को लेकर दुनिया को दी चेतावनी, का लंबे समय तक रहेगी महामारी, वैक्सीनेशन के बाद भी बढ़ रहे केस। भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों की कोरोना वैक्सीन से हटाई शर्त, अभी तक वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की थी अनुमति, अब दूसरे देशों से अनुमति ले चुकी वैक्सीन को भारत में हरी झंडी, पहले 100 लोगों की 7 दिनों तक जरूरी होगी निगरानी। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर उठाए सवाल, खून के थक्के बना देती हैं दोनों कंपनियों की वैक्सीन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए सभी लोगों को दी जांच कराने की सलाह। ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बर्कलेज ने लॉकडाउन पर जारी की रिपोर्ट, का भारतीय अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते होगा 9,000 करोड़ का नुकसान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से आज रूबरू होगी CBI, परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर करेगी पूछताछ। निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा TMC का प्रतिनिधि मंडल, भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न होने की दर्ज कराएगा शिकायत। DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के मसौदे को दी प्रारंभिक मंजूरी, शहर को पर्यावरण के लिहाज से डिजिटल बनाने का रखा गया लक्ष्य। अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक वापस होंगे अमेरिकी सैनिक, बाइडेन प्रशासन ने 1 मई की समय सीमा में किया विस्तार। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर बादल पर बोला हमला, का सीएम नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर झूठ बोलने की शर्मनाक आदत। सीएम शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को किया खारिज, बोले प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है कोरोना कर्फ्यू। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर की बात, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। निर्वाचन आयोग ने TMC नेता सुब्रत मंडल को जारी किया नोटिस, विवादास्पद बयान की शिकायत पर आयोग ने की कार्रवाई। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय पौधशाला पोर्टल का किया शुभारंभ, नर्सरी परिचालकों और उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा। पीयूष गोयल ने EU संघ के साथ बातचीत आगे बढ़ाने पर दिया जोर, बोले भारत निवेश सुविधा समझौते पर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक। यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने की सैनिकों की भारी तैनाती, रक्षा मंत्री सरगेई ने कहा तनाव को देखते हुए नाटो को जवाब देने की तैयारी। चुनाव आयोग की पाबंदियां खत्म होने के बाद बोली ममता बनर्जी, का डराने धमकाने के भाजपा के हथकंडे के आगे नहीं झुकेगी TMC। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं पूरे किए लोगों से किए वादे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ और मरकज की तुलना को बताया गलत, कहा बंद जगह में हुआ मरकज, कुंभ के लिए है विशाल क्षेत्र। आज कांग्रेस शुरू करेगी डिजिटल चैनल INC TV, समाचार के माध्यम से लोगों तक कांग्रेस पहुंचाएगी अपनी राय।
छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में ठहराए गए बीपीएफ के 9 उम्मीदवार, कांग्रेस ने असम चुनाव को लेकर तोड़फोड़ की आशंका पर उठाया कदम। राजस्थान भाजपा ने सरकार की विफलताओं पर जारी किया काला पत्र, सतीश पुनिया बोले प्रदेश में लिखा जा रहा है निकम्मेपन का अध्याय। अंबेडकर जयंती पर वित्तीय बाजार रहेंगे बंद, शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में नहीं होगा कामकाज। आईपीएल के मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता को 10 रन से हराया, सूर्यकुमार यादव के बाद गेंदबाजी में चमके चहर और पांड्या। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम 152 रन पर हो गई ऑल आउट, जवाब में 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी कोलकाता की टीम। न्यूजीलैंड के विलियमसन ने चौथी बार जीता सर रिचर्ड हेडली पदक, साथ ही साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी भी किए गए घोषित। आईपीएल में आज बेंगलोर और हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला, जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी विराट कोहली की RCB। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।